नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। रुक करते हैं आज की नई खबरों की ओर। युवक की हत्या में नामजद आरोपी है निर्दोष, एसएसपी ऑफिस पहुंचे, फरियादी ने लगाई गुहार। पावर ऑफ जनाधिकार ब्रेकिंग न्यूज। जनपद बरेली के थाना शेरगढ़ स्थित गांव मोहम्मदपुर में गत 23 नवंबर को हुई युवक धर्मेंद्र की हत्या में नामजद आरोपी जसपाल गंगवार और उसके पिता भानु प्रताप पर मर्डर केस रंजिशन लिखवाया गया है। लिखे गए मुकदमे की निष्पक्ष जांच को गुहार लगाने वाले थाना बहेड़ी क्षेत्र निवासी अरविंद ने बताया कि कुछ वर्षों पहले मेरे बहनोई जसपाल के चाचा सुरेंद्र पाल की एक विवाह समारोह से लौटते वक्त रास्ते में घेर कर हत्या कर दी गई थी। मृतक की जमीन पर आरोपी वर्षों से जबरन कब्जा किए हुए थे। चाचा सुरेंद्र पाल की हत्या के मामले में जसपाल की ओर से भूमाफिया सुखदेव एडवोकेट उसके पुत्रों समेत करीब 7 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। विपक्षी के पुत्रों की जमानत हो चुकी है। जेल में बंद भूमाफिया के खिलाफ शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी बरेली के आदेश के चलते 1.5 करोड़ से अधिक कब्जा की गई अवैध संपत्ति को कुर्क कर गैंगस्टर की कार्रवाई पहले ही हो चुकी है। पुलिस ऑफिस पहुंचे अरविंद ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को प्रार्थना पत्र देकर निर्दोषों के खिलाफ लिखे गए मुकदमे की निष्पक्ष जांच करवाने को गुहार लगाई है। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। अरविंद कहाँ से आए हैं? बहेड़ी क्षेत्र से। बहेड़ी थाना क्षेत्र से आए। क्या दिक्कत है? आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय बरेली आए, क्या परेशानी है? हमारे बहन हुई जसपाल, जिसके चाचा की हत्या 19 मई 2021 को कर दी गई थी। कहाँ पे हुई थी ये? मई मोहम्मदपुर गाँव में हुई थी, थाना शेरगढ़ के मोहम्मदपुर गाँव में। जी, जसपाल के चाचा सुरेंद्र पाल की हत्या हो गई, कर दी गई। मामले में कितने लोग नामजद हुए थे? मामले में 5 लोग नामजद हुए थे, सुखदेव एडवोकेट, रवि उनका बेटा, और संजीव, धर्मेंद्र, मुनेंद्र, जितेंद्र। अच्छा जी, अच्छा, उन लोग जेल हो गई। कितने लोगों की जमानत हुई? इनमें तीन चार लोग बाहर आ गए हैं, रवि, धर्मेंद्र और जितेंद्र। अच्छा, आप क्या दिक्कत है? रवि, धर्मेंद्र, जितेंद्र, संजीव जो कि बाहर आ गए हैं, उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत गांव के ही एक धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति का कत्ल कर दिया है। किस तारीख की घटना है? ये है 23 तारीख की घटना। अच्छा जी, जी। 23 नवंबर। अच्छा जी, किसके खिलाफ मुकदमा है इसमें? हमारे जीजा जसपाल, उनके पापा भानु प्रताप, दोनों को फंसाया जा रहा है, फर्जी नामजद किया गया मुकदमे में। जबकि आपका कहना यह है कि ये लोग निर्दोष हैं। इन्होंने इस तरीके का कोई भी अपराध नहीं किया है। आप क्या चाहते हैं? आज तक ना उनसे कोई विवाद है, जिसकी हत्या की गई है उससे ना कोई विवाद था, ना वैसे कोई पारिवारिक संबंध है, किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, ना विवाद था, किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। फिर भला वो उनका हत्या क्यों करेंगे? आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि निर्दोषों को ना सजा दी जाए, निष्पक्ष जाँच करके जिसने किया है उसे सजा हो। आपने यहाँ पे श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को प्रार्थना पत्र दिया? हाँ, आज ही दिया। अच्छा,